जनपद संभल के चंदोसी में आरएस इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री से मिले। मंत्री ने निराकरण का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी का है, जहां पर स्थित आरएस इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के अंक पत्र में अंक के स्थान पर प्रमोट लिखा हुआ था, जिस पर कॉलेज की छात्र छात्राएं प्रदर्शन भी कर चुके, लेकिन इनकी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हुआ। इसी समस्या को लेकर आज ये छात्र छात्राएं प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी से उनके आवास पर जाकर मिले, जिस पर मंत्री ने इनके विषय में शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक से वार्ता करके इनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। आप आज राज्यमंत्री जी के निवास पर अपनी समस्या को लेकर आई हैं, क्या है आपकी समस्या? हमारी समस्या ये थी, हमारे रिजल्ट में सिर्फ प्रमोटेड लिखा गया था, कोई भी अंक शो नहीं हुए थे, इसलिए हम मैम के पास आए और हम अपनी समस्या रखी। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम, उन्होंने विनय पांडे जी से बात करी और उन्होंने कहा कि हमारा एडमिशन हो जाएगा और हम DISO के पास जा रहे हैं और सर हमें आदेश देंगे कि हमारा एडमिशन हो जाएगा। कौन सी क्लास और कौन से स्कूल की छात्राएं हैं आप? हम आरएस इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं, इंटरमीडिएट की। आज आपके यहाँ पर कुछ छात्र और छात्राएं अपनी समस्या को लेकर आई, क्या है पूरा मामला? ये बच्चों के जो रिजल्ट आया था उसमें इनके अंक नहीं आए थे, लेकिन सरकार ने इनकी स्थिति को देखते हुए ये आदेश किया है कि भले ही अंक नहीं आए, अंक सुधार के लिए परीक्षा होगी, लेकिन एडमिशन से कोई बच्चा वंचित नहीं रहेगा। अब ये बच्चे आए हुए हैं कि यहाँ कॉलेजों में जगह नहीं है, हमें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो अभी जो शिक्षा निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं हमारे विनय पांडे जी, उनकी उनसे हमारी बात हुई, हमने कहा बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, आप विद्यालयों में बताइए कि एडमिशन लें, तो उन्होंने पूर्ण रूप से ये कहा है कि सबके एडमिशन होंगे, कोई बच्चा बिना एडमिशन के नहीं रहेगा। तो फिर DISO से बात हुई, उनसे भी हमने कहा, मैंने कहा आप विद्यालयों के लिए निर्देशित करें कि इन बच्चों के एडमिशन हो जाए, तो अभी उन्होंने इन बच्चों को बुलाया है और उन्होंने कहा है कि आप बच्चों को भेज दीजिएगा, मैं सबके उस पर जो है आदेश कर दूंगा कि इनके एडमिशन हो जाए। ये इन बच्चों की समस्या का इस प्रकार से निराकरण किया गया है।